आज का हमारा जो लेक्चर है ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फ्रूटफुल है। आप लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर में जब सिनोनिम वाला जो सेक्शन है उसमें 10th क्लास में एक एंटोनिम भी आता है। बच्चे अक्सर जल्दी में गलती कर जाते हैं, वो सिनोनिम समझते हैं और वो एंटोनिम को भी सिनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से टिक करते हैं। तो आपने पेपर में कॉन्शियस एफर्ट ये करनी है कि आपने ये देखना है कि क्या ये एंटोनिम पूछा गया है। तो ये मैंने आज कोशिश की है कि मोस्ट रिपीटेड जो एंटोनिम्स हैं यानी मुतजाद अल्फाज जो वर्ड आएगा उसके ऑपोजिट मीनिंग को आपने सेलेक्ट करना है, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ये पिछले 5 साल पेपर में मुख्तलिफ बोर्ड्स में आने वाले एंटोनिम्स हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है विन, इसका मतलब जीतना होता है। इसका एंटोनिम, इसका मुतजाद जो होगा वो लूज़ होगा, इसका मतलब है हारना। ब्राइट का मतलब होता है रोशन, ऑपोजिट इसका होगा डार्क जिसका मीनिंग है तारीक जो रोशन ना हो। अनइम्पोर्टेंट गैर अहम, और जो अहम होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, जैसे किसी को मुश्किल वक्त हम छोड़ देते हैं। तो सपोर्ट करना होगा, साथ देना, मुश्किल वक्त में अगर कोई किसी का साथ देता है तो वो सपोर्ट होगा। कंज्यूम का मतलब है इस्तेमाल करना, सेव का मतलब बचाना, जैसे अगर आपके पास कुछ रुपीज़ हैं आप अगर खर्च कर देते हैं तो कंज्यूम किए हैं, मुश्किल वक्त के लिए संभाल के रखते हैं तो आपने वो सेव किए हैं। सफरिंग का मतलब होता है तकलीफ़ में मुबतला होना, जबकि प्लेयर का मतलब है इंजॉय करना, खुशी में होना। सूद का मतलब है किसी को सुकून देना, जैसे अगर किसी को चोट लगी है वो मेडिसिन खाता है, क्रीम लगाता है, कोई मरहम लगाता है, उसको सुकून मिलेगा। लेकिन एग्रावेट का मतलब होगा तकलीफ में इजाफा करना, जैसे ज़ख्म पर नमक लग जाए। अगर फेल का मतलब नाकाम होना, सक्सीड का मतलब कामयाब होना। रिवार्ड, अगर आपको कोई इनाम मिलता है, जबकि पनिशमेंट इसका ऑपोजिट है, ये सज़ा है। माइनर का मतलब छोटा होता है, इसका ऑपोजिट मेजर है। प्लंटी का मतलब अगर कोई चीज़ काफ़ी मिकदार में वो प्लंटी है, कमी में है, तो वो डेफिशिएंट होगा। कल्प्रिट जो है ये सिनोनिम में भी हमने देखा था, कल्प्रिट का मतलब है मुजरम, जिससे कोई जुर्म हो जाए, इसका ऑपोजिट इनोसेंट होगा, मासूम होगा, जिसने जुर्म नहीं किया। क्रिटिकल का मतलब अहम भी होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में मैंने देखा था वहाँ क्रिटिकल का मतलब ख़तरे में, जैसे हमने वो देखा था वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमने देखा क्रिटिकल ख़तरे में। सेफ का मतलब महफूज होगा। तो अगर आप ये 12-13 एंटोनिम्स याद करते हैं तो 10th में आपके मार्क्स सिक्योर होंगे। इनको याद करें और सिनोनिम वाले 3 लेक्चर्स को भी देखें, अपने 5 नंबर को सिक्योर करें।